हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। टुडे वी विल डिस्कस सब्जेक्ट इकोस एंड यूनिट 7। हमने यूनिट 7 का एक वीडियो देख लिया था, डिस्कर्सिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स, राइट? तो आज हम उसका सेकंड पेज, तो ओपन योर इकोस टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 52। जल्दी जल्दी से बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और पेज नंबर 52 निकालो। तो बच्चों, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? आपको कहाँ नहीं आ रहा है तो वो आप क्वेश्चन खुद को करो, और वो भी आपको आंसर ना मिले तो मुझसे पूछना, ठीक है? कभी भी। तो आज हम आपको होमवर्क करके रखना है। आज हम सेकंड पेज यानी 52 पेज नंबर पे लिसन एंड मार्क, लिसन टू द डिस्क्रिप्शन एंड मार्क द करेक्ट पिक्चर। हाउ मेनी पप्स does Kritika's dogs have? How many pups dog does Kritika's dog have? Kritika के घर पे कितने dogs के puppies है, यानी उसके dog के बच्चे आते हैं, वो कितने हैं? तो सी, 2 है। फर्स्ट में सी आंसर आएगा, टिक करते जाना, ओके बच्चों? सेकंड है, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन पिंकीज हाउस? हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन पिंकीज हाउस? पिंकीज के हाउस में कितने रूम्स हैं? तो आंसर आएगा बी, 7। कितने हैं? 7। उसके बाद हाउ मैनी ऑफ सिमरन्स अंकल्स आर ओल्ड? सिमरन के अंकल कितने बड़े हैं? थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ सिमरन्स अंकल्स आर ओल्ड? तो आएगा सी, यानी 6 ईयर ओल्ड है। हाउ मैनी वॉल्स इन मोंटेस क्लासरूम आर रेड? How many walls in Monty's classroom are red? उसमें आंसर आएगा ए, यानी फर्स्ट। तो फर्स्ट में आएगा सी, सेकंड में आएगा बी, थर्ड में आएगा सी एंड फोर्थ में आएगा ए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रेस इज क्लियर? ओके, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। हम कभी नहीं, हमने आगे के चैप्टर में, सभी चैप्टर में क्या किया है, ये टेबल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीड करे हैं और मैंने आपको लिखने दिए हैं। आज उस टेबल में जो वर्ड्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे, यानी उसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग यानी आपको इंग्लिश मीनिंग आप पढ़ सकते हो, बट आपका उसका हिंदी नहीं कर सकते हो तो आपको पता नहीं चल सकता। यानी यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है बॉय, आपको पता है बॉय यानी लड़का, तो यहाँ आपको ये पता है कि बॉय यानी लड़का। इसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता नहीं होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो लिसन टू केयरफुली, लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम। क्या करना है आपके, मेरे पीछे रिपीट करना है। फर्स्ट है बॉय, आपको पता है बॉय किसे बोला जाता है, लड़के को। सेकंड है बॉयल, बॉयल यानी आपको पता हो कि हमारे घर में जब रसोई बन रही हो किचन में, तब पानी उबालने रखते हैं, चाय उबालने रखते हैं, तो वो जब उबालते रखते हैं तो उबालने की जो हरार होती है ना, लिक्विड होती है, वो ऊँची आती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइल किया ऐसे बोलते हैं। उसके बाद है कॉइन, कॉइन COIN, कॉइन यानी सिक्के, हमारे घर में होते हैं ना उसे सिक्के बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
सिक्के, जॉय, जॉय यानी इंजॉय, इंजॉय का शॉर्ट है जॉय, तो आनंद, जॉइन यानी जॉइनिंग करना, जॉइनिंग का शॉर्ट है जॉइन, जॉइनिंग करना, किसी के साथ जॉइन होना। उसके बाद ऑयल, ऑयल को आपको पता है कि किसे ऑयल बोला जाता है। उसके बाद है ऑन्टीमेंट, ऑन्टीमेंट यानी मलम, क्या बोलते हैं, ऑन्टीमेंट यानी मलम, मलम यानी हम घर में जो लगाते हैं ना, कभी कभी हमारा सिर दर्द कर रहा हो या हमें कहाँ भी लग गया हो तो क्या करते हैं, मलम लगाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑन्टीमेंट, ओ आई एन टी एम ई एन टी, ऑन्टीमेंट, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। उसके बाद है पॉइंट, पॉइंट को आपको पता है कि पॉइंट किसे बोला जाता है, सॉइल, सॉइल यानी जमीन, स्पॉइल, स्पॉइल यानी कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई हो, बिगाड़ते हो उसको बोलते हैं, स्पॉइल कर दिया तुमने, देखो गंदा कर दिया, हम बोलते हैं ना गंदा कर दिया, तो उसको बोलते हैं स्पॉइल करना। उसके बाद टॉय, टॉय यानी आपको पता है कि क्या होता है, टॉय यानी यस बहुत सारे खिलौने होते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी रिपीट करिए, बॉय, बॉइल, कॉइल, कॉइन, जॉय, जॉइन, ऑयल, ऑर्नामेंट, उसके बाद पॉइंट, सॉइल, स्पॉइल, टॉय। ओके स्टूडेंट्स, द बॉय इज बॉइलिंग द ऑयल, ड्रॉप अ कॉइन एंड हैव द जॉय ऑफ विनिंग अ टॉय। तो ये ऐसे सेंटेंस बनाए हुए हैं, तो आपको भी इसमें से सेंटेंस बनाने हैं, यानी इस सब वर्ड्स को यूज करके आपको दो सेंटेंस बनाने हैं। ओके, दो सेंटेंस बन जाए उसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड पे। फर्स्ट है सेकंड का बाव, क्या है बाव, बाव यानी झुकना, क्या होता है बाव यानी झुकना, आया ना न्यू वर्ड्स, आपको पता था बाव यानी झुकना, नहीं पता था, बाव यानी झुकना। उसके बाद है काउ, तो वो तो हमने सबने देखी है। उसके बाद है हाउ, हाउ आर यू, हम पूछते हैं ना हाउ आर यू, हाउ मैनी ऑफ प्राइज, ऐसे उसका बहुत सारे, इसकी कितनी प्राइस है, ये कैसे हुआ, आप कैसे हो, तो ये उसके लिए क्या होता है हाउ। नाउ यानी हाल ही, अभी भी। अबाउट यानी शायद। आउट यानी बाहर। राउंड और अराउंड आपको दोनों भी पता है ना, यस। फाउंड यानी फाउंड का भी आपको पता है। काउंट, काउंट को भी, काउंट का भी पता है। आउल, आउल यानी यस गुड। एंड हॉल तो उसका होता है रोना, बहुत चिल्ला चिल्ला कर जब रोते हैं उसको बोलते हैं हॉल। उसके बाद आउस डू नॉट हॉल राउंड एंड राउंड ऑन मेरी गो राउंड। हाउ अबाउट गोइंग आउट, हाउ अबाउट गोइंग आउट। तो यहाँ आपको इस टेबल पे से कितने सेंटेंस बना के दिए हैं, 3 सेंटेंस बना के दिए हैं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ओके, आगे की अब 3 एंड 4 से जो टेबल्स है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आपको आप सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल रीड करना है और उसका जो मीनिंग है वो याद रखना है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। और 2 2 सेंटेंस यानी 4 सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और 2 ये टेबल है उसके सभी वर्ड्स आप अपनी इकोज की नोटबुक में लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये दोनों टेबल आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, उसके नीचे 2 2 सेंटेंस लिखना है और इसका मीनिंग याद रखना है और रीड करना है। ओके, चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।